हेलो एवरीवन वेलकम टू जे नीट एजुकेशन माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकर और आज हम पढ़ने वाले क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर टू सॉल्यूशंस तो ल

सोलिड इन लिक्विड ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था तो आज हम करने वाले हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड तो जैसे ही, liquid, इसमें होता क्या? जैसे ही हम क्या करते हैं जैस है, जैस है, तो है, है. जैसे जैसे आप गैस पास करते जाएंगे सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है गैसेस मॉलिक्यूल्स का लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जितने गैसेस डिजोल्व होते जा रहे हैं वैसे ही एक और प्रोसेस भी चालू हो जाती है जिन गैसे, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे अंदर में जाकर सॉल्यूशन के अंदर में जाकर वे आपस में कोलाइड होंगे कोलाइड होंगे तो उनकी जिनकी जिस भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी वो सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे आकर क्या हो जाएगा स्केप हो जाएगा ठीक तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है गैसेस मोलिक्यूल डिजोल्व भी होते जा रहे हैं और स्केप भी होते जा रहे हैं जब ये दोनों प्रोसेस सेम रेट से होने लगता है तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है और इस इक्विलिब्रियम पर जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होता है उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट गैस का डिजोल्व हो गैस का जितना भी अमाउंट डिजोल्व हुआ रहता है उसे बोला जाता है सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस In liquid. So, when a gas is passed through the liquid solution, gas particles dissolved in a liquid.

से क्यों? क्योंकि जो गैसेस से जो गैसेस हैं, अंदर पहुंचते गए हैं, उस सॉल्यूशन में वो आपस में कोलाइड होंगे कोलाइड होने की वजह से जिन पार्टिकल्स वहां एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जिस पार्टिकल की एनर्जी जिस गैसेस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होगी वो सर्फेस पे आएगा और सर्फेस पे आकर और एनर्जी अब करके क्या हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस साथ में होती। और जब दोनों प्रोसेस साथ में होती तब इस पर क्या होता? है हो और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता उस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द स्टेज द गैसेज पार्टिकल एंट्रिंग इन द सॉल्यूशन फेस एंड escaping आउट ऑफ द solution surface हैव द सेम रेट द अमाउंट ऑफ गैस Present in a given amount of solvent at this situation state is a. रिफर्टेड टू एज द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड तो सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड आपको समझ आ गया कि वहां पर होता क्या है कि जैसे ही हम गैसेस गैस को पास करते हैं उस में गैस डिजोल्व होने लगता है होने के साथ साथ उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होने लगता है इंक्रीज होने लगता है बट उसी टाइम पर जो स्केपिंग प्रोसेस भी चालू हो जाता है गैसेस मोलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं स्केप करने लगते हैं उस सर्फिस पे और एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब ये दोनों प्रोसेस क्या हो जाएंगे सेम रेट से होने लगेंगे और जब ये सेम रेट से होने लगेंगे तब उस सिचुएशन को बोला जाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम और जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ होगा उस समय पर उस टाइम पर उसे बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व हुआ होगा उसे ही बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड ठीक तो ये आपको क्लियर हो गया अब हम देखते हैं फैक्टर्स की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं ठीक तो फर्स्ट है द नेचर ऑफ अ गैस एंड द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट तो गैस का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर दोनों ही पर ही डिपेंड कर दोनों ही इफेक्ट करते जैसे हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड कि पोलर पोलर में डिजोल्व हो रहा था और नॉन पोलर नॉन पोलर में भी नॉन पोलर में ही डिजोल्व हो रहा था तो इसी तरह से जो गैसेस इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेचर गैसेस के नेचर पर भी और सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करती कुछ जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन गैस है ऑक्सीजन गैस वाटर में बहुत कम डिजोल्व होती बहुत ही लेस अमाउंट में डिजोल्व होती है वही जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती। वो थोड़े अच्छे से हो जाती है तो सभी गैसेस जो होते हैं वो किस सॉल्वेंट में होंगे ये नहीं है सबका अलग -अलग है सबका अलग-अलग नेचर होता कि ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा होगा ठीक हो तो डिफरेंट गैसेस डिजोल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इवन इन सेम सॉल्वेंट एंड सेम हैज डिफरेंट सॉलिडिटीज इन द डिफरेंट सॉल्वेंट ये हम भी देखेंगे आगे के प्रोसेस में ठीक है आगे के स्लाइड में हम देखने वाले हैं ये कैसे होता है तब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है अगर सेम गैस ले और एक ही गैस ले और उस गैस को अगर हम एक टाइप के सॉल्वेंट में डिजोल्व करें तो हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा और उसी गैस को किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व करें तो हो सकता है उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ अलग हो तो ये जो गैसेस होती है उसकी Solubility जो क्या होती है वो अलग अलग होती है जिस तरह सॉल्वेंट जिस सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो गई तो वहां सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो गई और अगर नहीं हो पाए उसमें डिजोल्व तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो जो सोल्युबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड में वो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है क्यों क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो सोल्यूबिलिटी क्या होने लगती है डिक्रीज होने लगती है क्यों डिक्रीज होने लगती है क्योंकि जो सोल्यूट है जो सोल्यूट हमारा गैस है उसको आप लिक्विड में ला मतलब उसकी जो मोलिक्यूलर रेंडमनेस है उसको आप कम कर रहे हो ठीक वहां पर गैसेस सरफेस में क्या होती है हो तो उनका जो एरिया होता है रैंडमनेस होता है वो कम हो जाता है लेकिन अगर आप वहां पर हीट प्रोवाइड कर दे तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो सोल्यूड्स जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी और हाई हो जाएगी और हाई होने की वजह से वो बहुत तेजी से स्केप करके निकल जाएंगे उस सोल्यूशन से वजह से जो होते, जो होते सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस इन लिक्विड्स की वो क्या हो जाएगी टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी आपको समझ आया यहां पर क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर सबसे पहली बात तो ये कि जो गैसेस गैसेज लिक्विड में सोल्यूबिलिटी उसका मतलब क्या है कि जो रैंडमनेस है गैसेस की जो गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट करते हैं उनके जो रैंडमनेस है जब वो सो लिक्विड में डिजोल्व होंगे तो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा लेकिन अगर आपने वहां टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी और एनर्जी हाई होने की वजह से वो तेजी से जो सरफेस पे आ जाएंगे और सरफेस से स्केप कर जाएंगे ठीक तो और इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी ठीक ये क्लियर हो गया आपको नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस वेरी अप्रिशिएबली विथ वेरिएशन इन प्रेशर आपने हम जब प्रिवियस देखे थे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब सॉलिड्स और लिक्विड की जो सॉलिबिलिटी होती है सॉलिड्स सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड उस पर प्रेशर का कोई उतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता क्यों क्योंकि जो सॉलिड होता है और लिक्विड ये दोनों ही क्या होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं बट जो गैसे होता है जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है किससे प्रेशर से देखते हैं सबसे पहले देखते हैं ये ये फर्स्ट सिस्टम तो इस फर्स्ट सिस्टम को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ठीक तो यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर के साइड्स पे डॉट दौट डॉट दिख रहे हैं क्या है ये नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स है जो और ये नीचे क्या है सॉल्यूशन तो है उस सॉल्यूशन तो में कुछ गैसेस डिजोल्व है कुछ गैसे जो वो और कुछ गैसेज मॉलिक्यूल्स क्या है उसके सरफेस के ऊपर है और ये अभी नॉर्मल प्रेशर पर है अब जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल प्रेशर हमने प्रेशर अप्लाई कैसे किया यहाँ पर कुछ वेट रख दिया हमने तो उसको रखने से क्या हुआ कि ये जो प्रेशर अप्लाई हुआ प्रेशर अप्लाई होने से आप देखिए कि यहाँ पर जो सरफेस था इस सोल्यूशन का सरफेस, इस सोल्यूशन के सरफेस के ऊपर भी नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए और साथ ही या सॉल्यूशन के अंदर पर भी कुछ ये जो सरफेस पाए वो क्या करेंगे स्ट्राइक करके अब अंदर चले जाएंगे सोल्यूशन से जिससे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर भी नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इससे क्या इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज किया जो सोल्यूबिलिटी थी गैसेस की वो इंक्रीज हो गई क्यों क्योंकि जब आपने प्रेशर लगाया तो गैसेस मोलिक्यूल्स क्या होगा पास पास आ गए पास पास आने के बाद यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया और वॉल्यूम कम होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही रैंडमली घूम पा रहे थे रैंडमली मूवमेंट कर पा रहे थे और जो कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ एंटर किए सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते गए और जैसे ही वो सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते गए उनकी जो सोल्युबिलिटी थी गैसेस पार्टिकल्स की गैसेस मोलिक्यूल्स की लिक्विड के लिक्विड में वो इंक्रीज हो गई ठीक तो हम यहाँ कहा कंक्लूज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज़ इंक्रीज़ेस विथ इंक्रीज़िंग प्रेशर जैसे ही आपने यहाँ पे देखिये नॉर्मल प्रेशर था जैसे ही आपने यहाँ आप प्रेशर इंक्रीज किया दो तो नंबर ऑफ गैसे पार्टिकल्स थे वो क्या होने लगे सोल्यूशन सौ, के अंदर एंटर करने लगे और जो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होने लग गई मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होने लग गई और इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हम जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है ठीक तो ये आपको तीनों फैक्टर समझ आ गए नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट सेकेंड था टेम्परेचर तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी थर्ड फैक्टर है प्रेशर ऑफ गैस तो अगर आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर तो उस वहां क्या होगा जो सोल्यूबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी क्यों क्योंकि प्रेशर लगाने से जो नंबर ऑफ गैसेस मोलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होने लगते हैं उस सोल्यूशन के अंदर ठीक है तो ये क्लियर हो गया आपको अब नेक्स्ट देखते हैं हम हेनरीज लॉ तो नेक्स्ट है हेनरी लॉ तो ये हमने जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सोलिबिलिटी होगी तो हेनरी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया किसके बीच प्रेशर ऑफ अ गैस एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैसे पार्टिकल की उनके बीच एक रिलेशन दिया कि जितना ज्यादा आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा उस गैसेस मॉलिक्यूल की सोलिबिलिटी होगी तो हैं फाइनली था क्या द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रेशर इज एट विच इट इज डिजोल्ड मीन्स Solubility, solubility of gas is directly proportional to the pressure. ठीक तो जो gas होती है उसकी solubility वो directly proportional होती है किसके प्रेशर के मीन्स आप जितना ज्यादा प्रेशर वहां अप्लाई करते जाएंगे सॉल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी आपने कम प्रेशर अप्लाई किया सॉलिबिलिटी कम होगी ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे तो उतने ही ज्यादा गैसेस क्या होते जाएंगे उस लिक्विड में सॉल्यूबल होते जाएंगे और उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी ठीक है तो ये था हेनरी का लॉ कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ठीक है अभी हम सोलिबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं सोल्युबिलिटी मतलब क्या होती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब जितना भी उस का अमाउंट है प्रेजेंट हो किस में उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में तो हम सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट में ठीक तो हमने क्या किया तो जो एक डाल्टन साइंटिस्ट थे तो फाइनली फाइनली जो हेनरी का लॉ था वो मोल फ्रैक्शन के साथ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में डिफाइन किया गया ठीक है क्यों क्योंकि हम सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि सोल्यूट का इतना मोल प्रेजेंट है कितने टोटल मोल ऑफ सोल टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन में है मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ ऑफ मोल्स तो मोल फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि जो सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है उस पूरे सॉल्यूशन में ठीक तो ये हमें मोल so, फ्रैक्शन बताता है तो हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं तो हम सॉल्युबिलिटी की जगह आप क्या यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो फाइनली जो हेनरी का लॉ था वो इस टाइप से है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस तो जो पार्शियल प्रेशर था जो पार्शियल प्रेशर था गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ठीक है तो हेनरी लॉ फाइनली क्या था कि हेनरी लॉ फाइनली था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द एंड इज क्या हो जाएगा सपोज ये पार्शियल प्रेशर है गैस का और ये मोल फ्रैक्शन है हमारे सोल्यूट का मीन्स हमारे जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन है तो ये जो प्रपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो एक कॉन्स्टेंट लगता है के एच ठीक के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो यहाँ पर देखिए पी इज इक टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो यहाँ पर जो के एच है ये एक प्रोपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट है जिसे हेनरी कॉन्स्टेंट हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है ठीक तो हेनरी का लॉ आपको क्लियर हो गया फाइनली हेनरी ने बोला क्या कि जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ही उनकी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा मींस उतना ही सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते जाएगा और उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन में ठीक है तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के जितना ज्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर, प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का यानी उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उस गैस में प्रेजेंट होंगे ठीक तो आप देख लीजिए एक बार क्लियर है आपको ठीक तो अब देखते हैं हम इस जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट तो हमने जो हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच देखा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि द यूनिट ऑफ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट आर सेम एज दो एंड किलो बार तो जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट होता है उसके भी यूनिट क्या होती है टॉर होती है और एक यूनिट क्या होती है किलो बार होती है ठीक तो उसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है वो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की यूनिट प्रेशर के यूनिट के ही जैसा होता है सेम एज प्रेशर मीन्स टॉर और किलो बार सेकेंड है डिफरेंट गैसेज वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट तो जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती हैं उनके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है डिफरेंट होता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस के लिए देखिए कितना था के एच सेवेंटी वन पॉइंट वन एट नाइट्रोजन गैस के लिए आप टेबल से देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर गैसेस दिख रहे हैं सभी के लिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन इन सब के लिए जो गैस हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है इस हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है ठीक नेक्स्ट है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द केएच वैल्यू ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स तो जो के एच की वैल्यू होती है जो हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है इस हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू सेम गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है जैसे देखिए यहां पर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के लिए अगर हम सॉल्वेंट वॉटर यूज करते हैं तो उसके लिए के एच की वैल्यू क्या है सेवेंटी वन पॉइंट वन एट अगर हाइड्रोजन के लिए सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं बेंजीन तब इसके लिए के एच की वैल्यू क्या है थ्री पॉइंट सिक्स सेवन सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड देखिए अगर वाटर में प्रेजेंट है तो उसके लिए के एच कितना है तो जीरो पॉइंट ये जो के वैल्यू होती है वो वेरी करते रहती है सॉल्वेंट टू तो सॉल्वेंट सेम सॉल्यूट के लिए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स लेते हैं तो वहां पर के एच की वैल्यू भी क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी और साथ ही हमने ये क्या द केस वैल्यू ऑफ अ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स एंड इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर और साथ ही जैसे जाते हैं वहां पर के एच की वैल्यू भी क्या होती जाती है इंक्रीज होती जाती है जैसे कि देखिए नाइट्रोजन के लिए के एच की वैल्यू टू नाइनटी थ्री कैलविन पर कितनी है सेवेंटी फोर पॉइंट फोर एट अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया टू नाइनटी एट के हो गया तो जो के एच की वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है के एच की वैल्यू जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो के एच की वैल्यू भी क्या होते चले जाती है इंक्रीज होते चले जाती है ठीक है यहाँ देखिए नाइट्रोजन का अगर और हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 303 हंड्रेड कर दिया तो के की वैल्यू क्या हो गई और ज्यादा इंक्रीज हो गई 88.84 हो गया 84 फोर बार यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए देखिए ऑक्सीजन के लिए 293 नाइनटी पर 34.86 था लेकिन 303 जीरो हुआ तो फोर्टी हो गया ठीक है तो जो सॉरी तो के की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट सोल्वेंट के लिए भी अलग अलग होती है और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस समय पर भी जो इसकी वैल्यू होती है के एच की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती चले जाती है नेक्स्ट है द हायर द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ अ गैस इज लोअर विल बी इट्स इन सोल्यूबिलिटी एंड बाइस वर्षा ठीक तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जितनी ज्यादा के एच की वैल्यू होगी उस गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी क्यों हमने इक्वेशन देखा था हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन तो अगर हम हेनरी लॉ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू हम पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लेते हैं तो यहां पर देखिए जो ये हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है वो एंटी प्रोपोर्शनल है हेनरी लॉ कॉन्सटेंट क्या एंटी प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मींस जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा उतना ही ज्यादा के एच की उतना ही कम क्या हो जाएगा के एच हो जाएगा एंटी प्रोपोर्शनल मीन्स एक बढ़ा तो एक कम हो गया यानी के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस उस सॉल्यूशन में उतने ही कम होते चले जाएंगे ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हायर द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ गैस इज लोअर विल बी इट्स सोल्युबिलिटी मतलब जितना ज्यादा के एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होते जाएगा सोल्युबिलिटी कम होते जाएगी और हमने देखा था मैंने सबसे शुरू में भी बताया था कि इफेक्ट में कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड वो डिक्रीज होती जाती है ठीक सॉल्युबिलिटी क्या होते जाती है डिक्रीज होते जाती है गैसेस की और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है के एच की वैल्यू भी इंक्रीज होती है और के एच की वैल्यू इंक्रीज हुई मीन्स सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड वो डिक्रीज होते जाती तो ये आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा कर रखिए कि जैसे जैसे के एच की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है वो गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होते जाती फॉर ने अभी टेबल देखा था तो उस टेबल में देखिए इस टेबल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा गैस सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा और कौन कम इन सब में से आप फाइंड कीजिए कि किसकी सबसे कम के की वैल्यू के एच की वैल्यू है तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का या यहाँ देखिए नाइट्रोजन 293 नाइनटी पर वैल्यू कितनी उसकी 74.48 मतलब 293 नाइनटी पर नाइट्रोजन लिक्विड में डिजोल्व हो सकता है बट जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी इसके सॉल्यूबिलिटी क्या होते जाएगी कम होते जाएगी वैसे ही ऑक्सीजन के लिए देखिए इसकी वैल्यू 34.486 तो इन सारे जो हमने देखा तो इनमें से ऑक्सीजन का क्या होगा सोल्युबिलिटी के की वैल्यू इसके लिए सबसे कम है तो जिसकी वैल्यू केश की वैल्यू सबसे कम उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही ज्यादा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का अगर हम सेम टेम्परेचर पर कंपेयर करते हैं तो 293 नाइन्टी थ्री कैलविन पर इसके लिए केश की वैल्यू कितनी सेवेंटी फोर पॉइंट फोर एट और 293 नाइनटी थ्री कैलविन पर ही के एच की वैल्यू कितनी ऑक्सीजन के लिए 34.86 तो इन दोनों में से किसके लिए कम है ऑक्सीजन गैस के लिए इस वजह से ऑक्सीजन गैस जो होता है वो वाटर में डिजोल्व होता है क्योंकि इसकी के एच की वैल्यू कम होती है और नाइट्रोजन गैस के लिए के एच की वैल्यू ज्यादा होती है इस वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता ठीक अब आपको रीजन समझ आया कि जिस भी गैस के लिए के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी और के एच की वैल्यू अगर जितनी कम होगी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है कैसे ये हम अभी देख रहे थे ये हम अभी देख रहे थे देखिए यहाँ पर हमने हेनरी लॉ कॉन्स्टेंसी निकाला था के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो के एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हेनरी लॉ कॉन्स्टेंसी इज इक्वल्स टू पी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस तो ये हमने रिलेशन निकाला था दोनों के बीच तो ये दोनों क्या थे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और हेनरी लॉ कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और हेनरी लॉ कांस्टेंट एक दूसरे के एंटी है मींस जितना ज्यादा के एच का वैल्यू होगा उतनी ही कम क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उस सॉल्यूशन में गैस के और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी उतनी ही कम होते जाएगी ठीक तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो सोल्यूबिलिटी होती है सोल्यूबिलिटी का मतलब इंक्रीज तो करता जाता है लॉ कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होते जाती है लेकिन जो सोल्युबिलिटी होती है जो मोल फ्रैक्शन होता है उस गैस का वो डिक्रीज करता चला जाता है ठीक ये क्लियर हो गया आपको कि िटी अगर हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी सोलिबिलिटी मीन्स मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन लिक्विड वो डिक्रीज होते चले जाएंगे ठीक ये क्लियर हो गया आपको तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम नेक्स्ट so कैरेक्टरिस्टिक है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन तो जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो क्या होता है लीनियर फंक्शन होता है है किसका मोल फ्रैक्शन का इसका मतलब क्या है? कि जब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन के बीच जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें क्या मिली एक स्ट्रेट लाइन मिली और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन मिली और ये स्ट्रेट लाइन से जा रही है ओरिजिन से जा रही है ठीक तो ये हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक था तो आई होप आपको और ये जो स्लोप ऑफ द लाइन और ये जो स्लोप ऑफ लाइन होती है वो इक्वल होती है किसके हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट ही के एच ये स्लोप ऑफ द लाइन इज के एच इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ठीक तो जो सॉरी uh, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो लीनियर फंक्शन होता है किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का इसका मतलब है कि जब आप इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगी इसके ओरिजिन से पास होगी और साथ ही जो ये स्लोप होता है ये जो स्लोप है ये किसके इक्वल होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट के मींस के P अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के ठीक तो आई होप आपको हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स और जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हैंनरी लॉ कॉन्स्टेंट के ये सारे आपको समझ आ गए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट के कुछ एप्लीकेशन और हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू